अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, बीवी के मुंह में डिस्चार्ज होना कैसा है, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो ये वेस्टर्न तरीक़ा है, क्या ये सही है? आजकल जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के वेस्टर्न तरीक़े चल रहे हैं, जिसमें कि एक औरल सेक्स जिसको कहा जाता है, बीवी के मुंह में अपनी शर्मगाह को दाखिल करना और डिस्चार्ज होना, ये इंतहाई गलीज़ अमल है और इंतहाई खबीस अमल है। यानी ऐसा है जिससे तबीयत खुद ब खुद घिन करती है। इसीलिए ऐसा करना ये बिल्कुल हराम है। बीवी के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है। औरल सेक्स ये जायज़ नहीं है और ये इंतहाई दर्जे का घटिया काम है। इसीलिए अगर कोई ऐसा करता है, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के जो जायज़ तरीक़े हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और जायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात पूरी कीजिए। लेकिन इस टाइप से इसी मुंह से आप कलमा पढ़ें, इसी मुंह से आप कुरान मजीद की तिलावत करें, इसी मुंह से आप अल्लाह का नाम लें, और फिर इसी मुँह में आप एक गलीज़ गंदी चीज़ को डालें, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और बीवी के मुंह में डिस्चार्ज होना ये तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अच्छे तरीके से समझ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व